फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर टू। इस पार्ट में हम टॉपिक नंबर टू को पूरा खत्म करने वाले हैं, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले भी बात करी थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में, तो अब हम उसको देख लेते हैं वो होता क्या है। 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें उन्होंने पूरा आउटलाइन किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग आइडियल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि हम बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजोल्यूशन था, इसमें एक फ्रेमवर्क दिया गया था जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम पूरा चलने वाला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनेगा। इंडिपेंडेंट हम रहेंगे, सोवरेन यानी कि हमारे ऊपर कोई और कंट्री का दबाव नहीं रहेगा, हम उनसे फ्री रहेंगे। और रिपब्लिक यानी कि जो हमारी सुप्रीम पावर में होगा वो हमारी सिटीजन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसके बारे में हम और भी आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया था सिटीजन को गारंटी दी गई थी कि जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम सबको दिया जाएगा। ये भी बोला गया था कि माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को एडुकेट सेफगार्ड्स दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रॉमिस किया गया था इसमें। तो इसके बाद नेहरू जी ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, यहाँ के काम को एक बहुत बड़ी हिस्ट्री के से कनेक्ट किया, बाकी जगहों की बात करी, बाकी नेशंस की बात करी कि कैसे अलग अलग जगहों पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत एफर्ट्स के साथ काम किया और उसके बाद एक अच्छा नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एज ही सेड हिज माइंड वेंट बैक टू द हिस्टोरिक एफर्ट्स इन द पास्ट टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स। तो इस स्पीच को भी हम देख लेते हैं। इस स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मीटिंग्स हो रही थी, क्या बोला जा रहा था। तो यहाँ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक पॉज करके आप इस पूरी स्पीच को पढ़ लीजिएगा। नेहरू जी ने सबसे पहले अमेरिका का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कितना अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि आज भी चलता चला जा रहा है, इतने सालों से चल रहा है, इतना ग्रेट नेशन इसने बनाया है। फिर गए पेरिस की तरफ। पेरिस फ्रांस का उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी कि यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके सामने हजारों प्रॉब्लम्स थी, जो यहाँ के किंग थे, जो अथॉरिटीज थे, वो भी इसके सामने आ रहे थे, वो भी इसके कामों में बहुत डिफिकल्टीज डाल रहे थे, इनके पास एक जगह भी नहीं थी मीटिंग करने के लिए। तो यहाँ की फेमस ओथ की बात करी, ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट की, इन्होंने टेनिस कोर्ट में ओथ ली थी और बहुत डिफिकल्टीज को फेस करके इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो यही इन्होंने बोला कि हमारे सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम फेस करेंगे, हमें ये चेंबर में करनी पड़े मीटिंग या किसी और चेंबर पे या किसी फील्ड पे, कहीं पे भी करना पड़े हम मीटिंग्स करेंगे, डिस्कशंस हम करेंगे और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडिया के लिए, हम अपने काम को बहुत मेहनत से अच्छे से फिनिश करेंगे। फिर उन्होंने रशिया का एग्जाम्पल दिया, वहां के रेवोल्यूशन की बात करी कि कैसे इतना पावरफुल ये कंट्री बनाए। इन्होंने बोला कि हम इन कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे और इनकी गलतियों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम ह्यूमन से तो हमसे भी कुछ गलतियां होंगी, लेकिन हम अपना बेस्ट देने वाले हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, हमने बात करी इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, यहाँ पे हमने रिपब्लिक की जगह डेमोक्रेटिक वर्ड यूज क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर भी इन्होंने इस स्पीच में किया कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी का कहना था जब हम रिपब्लिक बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डेमोक्रेटिक से ही मतलब है, हमने जितने भी एफर्ट्स किए पास्ट में, जितने भी हमारे स्ट्रगल्स रहे, हमने हमेशा ही डेमोक्रेसी की डिमांड करी है। तो डेमोक्रेसी तो हमारा एक गोल है ही, डेमोक्रेसी से नीचे हम कुछ भी एक्सेप्ट करने नहीं वाले हैं। एक और बात इन्होंने बताई कि आज की डेट पे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है जो डेमोक्रेसीज को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए डेमोक्रेसी का तो इंडियंस के साथ अटैच हो सके, इंडिया में अच्छे से एस्टेब्लिश किया जा सके। तो हम बाकी नेशन से सीखेंगे तो जरूर, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हम नहीं करने वाले, हम इम्प्रूव करके सिस्टम को इंडिया में अप्लाई करेंगे। एक लास्ट बात इन्होंने ये भी बताई कि हमने सोशलिज्म को भी मेंशन नहीं किया, फालतू के वो वर्ड्स बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन सोशलिज्म को भी ये सपोर्ट कर रहे थे। ये पूरी इनकी स्पीच है, इसको एक बार पॉज करके आप पढ़िएगा जरूर। हम सीधे अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्पीच है इसको हमें बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है, हमें पता होना चाहिए कि नेहरू जी एक्चुअली में क्या कहना चाहते थे। जब वो पास्ट में जाते हैं तो क्यों वो इन जगहों पे इन इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, जब वो किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल देते हैं तो उनका एक्चुअल पर्पस क्या है वो करने का। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जब वो अमेरिका और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जांपल देते हैं तो वो चाहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो एफर्ट्स है, जो हिस्ट्री है, उसको हम रिलेट कर पाए पूरे वर्ल्ड की हिस्टोरिक इवेंट्स के साथ, लिबर्टी और फ्रीडम के स्ट्रगल्स के साथ। तो ये एक मेन एम है इसका। इसके साथ साथ वो इंडिया के एफर्ट्स को एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, पास्ट से रिलेट करना चाहते हैं, ताकि इंडियन एफर्ट्स की भी वैल्यू लोग समझ पाए। तो ये उनकी स्पीच का मेन पर्पस था। हालांकि वो बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहे हैं कि बाकी कंट्रीज के जो स्ट्रगल्स थे वो हमारे लिए ब्लूप्रिंट का काम करेंगे कि हम भी वैसे ही करने वाले हैं, बल्कि हम इंडिया के लिए ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इन आइडियाज को बोरो नहीं करने वाले हैं, बल्कि उनसे सीखने वाले हैं। तो ये इनका पूरा यहाँ पे मीनिंग था। फिर अपने वर्ड्स में नेहरू जी ने डेमोक्रेसी का फॉर्म को डिफाइन नहीं किया, उन्होंने बोला
कि हम डेलिब्रेशंस के साथ, डिस्कशंस के साथ डेमोक्रेसी किस तरीके से हम इंडिया में अप्लाई करेंगे वो डिसाइड करेंगे। हमने पहले से ही डिसाइड करके नहीं रखा हुआ है, हम इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को फिट करने वाले हैं इंडिया में। तो ये उनका पूरा कहना था, इनका कहना था कि हम फॉरेन के आइडियल्स और प्रोविजंस को इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते, हमें इंडिया के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे लगाना होगा। वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट कॉपी, ही सेड। ये उनके वर्ड्स थे। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडिया की गवर्नमेंट के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए दैट फिट इन विद द टेम्पर ऑफ अ पीपल एंड एक्सेप्टेड टू देम, जो इंडिया के लोगों के साथ एक्सेप्ट हो सके, इंडिया के लोग उसको एक्सेप्ट करें, इंडिया के लोगों के साथ वो अच्छे से काम कर सके। इनका कहना था कि हम वेस्ट से पूरी की चीज़ें कॉपी नहीं कर सकते, उनके अचीवमेंट्स को, उनके फेलियर्स को हम देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न नोशंस को हम इंडिया में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और बात उन्होंने बताई कि वैसे भी वेस्ट ने भी किसी से सीखा ही था, वेस्ट ने भी बाकी आइडियोलॉजीज को अपने अच्छे से रीवर्क करके, रीफ्रेम करके इम्प्लीमेंट करी थी, तो वही काम हम करने वाले हैं। वेस्ट को हम देखने वाले हैं और उनकी जो आइडियोलॉजीज है, उनके जो नोशंस है, उन पर हम रीवर्क करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद इम्प्रोवाइज करके इंडिया में अडॉप्ट करेंगे। तो ये उनका पूरा कहना था कि हम इन आइडियाज़ को रीवर्क करने वाले हैं। नेहरू जी ने बोला कि हमें क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत है ताकि हम इंडिया के लिए एक अच्छा सिस्टम बना सके। तो ये पूरा इनसे स्पीच से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सब टॉपिक, द विल ऑफ द पीपल। एक कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लाहिरी जी, इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये ब्रिटिशर्स के अंडर में है, हम यहाँ पे जो भी चीज़ें करने वाले हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रह के करने वाले हैं। इनका कहना था कि पहले हम खुद को तो फ्री कर लें, उसके बाद हम ये सब चीज़ें करनी चाहिए। 1946 और 47 में जब असेंबली में डेलिब्रेशंस हो रहे थे, डिबेट्स चल रही थी, तब ब्रिटिशर्स इंडिया में ही थे और इनको पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे थे। लाहिरी जी के अकॉर्डिंग इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट तो आ गई थी, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई थी जो रूल करने वाली थी, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली थी एक परमानेंट गवर्नमेंट बनने तक के लिए, जिसको जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, लेकिन ये पूरी की पूरी विसरॉय के अंडर में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी जो कि लंदन से कंट्रोल कर रही थी। तो इनका कहना था कि पहले हमें खुद को फ्री करना चाहिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ब्रिटिश मेड है और हम वहाँ ब्रिटिशर्स के जो प्लान है उन्हीं को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम जा ही नहीं सकते, हम इंडिया का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्रिटिशर्स इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी ये स्पीच आ जाती है, दैट इज़ वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स, नोबल वर्ड्स। तो ये नेहरू जी के बोलते हैं कि आपके जो वर्ड्स हैं बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बोल्ड वर्ड्स हैं, नोबल वर्ड्स हैं, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? हम इंडिया में अभी भी ब्रिटिशर्स के अंडर में, हमारे ऊपर अभी भी ब्रिटिशर्स की गन लगी हुई है, ब्रिटिशर्स की आर्मी हमें कंट्रोल कर रही है, उनके जितने भी प्लान्स हैं उनके अंडर में ही हमें चलना पड़ रहा है। आपको अगर ब्रिटिशर्स से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो आपको ब्रिटिश भगना पड़ेगा, आपको एटली यानी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात करनी पड़ेगी, कोर्ट में जाके बैठना पड़ेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, आप उनके वहाँ पर अटेंडेंस लगाते रह जाओगे, आप इंडिया में खुद से कुछ नहीं कर सकते। इनका कहना था कि हम पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स के अंडर में, वो कुछ भी हमसे करवा सकते हैं, तो पहले हम सबको कलेक्ट होना चाहिए और आपस की लड़ाई छोड़ के पहले ब्रिटिशर्स से फाइट करना चाहिए, उसके बाद खुद में लड़ाई करना चाहिए। ये यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी के वर्ड्स भी पुट इन करते हैं, ये बताते हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी ही फ्रीडम है कि हम खुद से फाइट कर सकें, ब्रिटिशर्स का हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इनके वर्ड्स आप पॉज करके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। वैसे ये जो सोर्स बेस्ड है इन पे एक अलग से भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, वहां पे हम डिटेल में इनको कवर करेंगे, अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिए, इतना ही हमें चैप्टर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। इसके बाद नेहरू जी ने एडमिट किया कि हाँ, हमारे नेशनल लीडर्स को जैसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी वैसी तो हमें नहीं मिली है, हमें जो मिली है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ है उसके बर्थ के पीछे, हमारे सामने बहुत सारी कंडीशंस अटैच की गई हैं, बहुत ज़्यादा हमें ब्रिटिशर्स कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच दिस असेंबली डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ। तो इन्होंने बोला हमारी स्ट्रेंथ कहीं और से आती है, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट पेपर्स से नहीं बन जाती, सिर्फ ऑफिशियल ऑर्डर्स से नहीं बन जाती, बल्कि हमारे पीछे जो लोग हैं उनकी जो विल है उससे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है और वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है और उसको हम फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम उतने ही आगे जा पाएंगे जितना हमें सपोर्ट मिलेगा। हमें कोई एक पार्टी, कोई एक ग्रुप, कोई एक ऑफिशियल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे सिटीजन्स के पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा है भी। बहुत सारा पैशन है लोगों के दिलों में जिसको हम फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये नेहरू जी का रिप्लाई था लाहिरी जी के लिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंस के मूवमेंट्स के लिए जो स्ट्रगल्स हो रहे थे, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो यहाँ पे एक्सप्रेस की जा रही थी। डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और जस्टिस, ये ऐसे आइडियल्स हैं जो हमें सोशल स्ट्रगल्स में बहुत टाइम से देखने को मिल रहे थे। 19th सेंचुरी में जो स्ट्रगल्स होते थे उनमें भी ये आइडियाज़ हमें देखने को मिल जाते थे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि जब 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मर्स चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे, विडोज की रीमैरिज की डिमांड करते थे, तब वो सोशल जस्टिस के लिए प्लीड कर रहे थे।
जब स्वामी विवेकानंद जी कैंपेन कर रहे थे कि रिलीजन में, हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स आए, तब वो रिलीजन्स को और ज़्यादा जस्ट कराने बनाने की कोशिश कर रहे थे। यही हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि सोशल जस्टिस की डिमांड्स आती है, जस्टिस की डिमांड्स आती हैं। इसके अलावा ज्योतिबा फुले का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि जब वो महाराष्ट्र में डिप्रेस क्लासेस की सफरिंग्स की बात कर रही थी, उनके लिए लड़ाई कर रही थी, जब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट वर्कर्स और पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, तब यहाँ पे हमें डिमांड हो रही थी इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की। ये भी हमें देखने को मिल जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसको यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया था, इन एस्पिरेशन को फुलफिल किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसके अलावा नेशनल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, जब हम नेशनल मूवमेंट्स कर रहे थे, स्ट्रगल्स कर रहे थे इललेजिटिमेसी के अगेंस्ट, ऑपरेशन के अगेंस्ट, अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब हम डिमांड कर रहे थे जस्टिस की, तब हमारे सिटीजन डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की, तब हमारे सिटीजन डिमांड कर रहे थे राइट्स और इक्वलिटी की। तो ये पूरी एस्पिरेशन फुलफिल की गई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब ये डिमांड्स की जाती थी तो ब्रिटिशर्स को भी एक्शंस लेना पड़ता था। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स को इंट्रोड्यूस कराने पड़े थे, क्योंकि इंडिया की साइड से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही थी कि हमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिले। तो 1909, 1919, 1935 में एक्ट्स पास किए गए, जिसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया था। ब्रिटिशर्स को ये करना पड़ा था, बेसिकली अब थोड़ी पावर दी जा रही थी कि लेजिस्लेचर में इंडियंस के हाथ में पावर्स हो। 1919 में थोड़ी बढ़ाई गई, 1935 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे, इंडियंस को पावर थोड़ी ज़्यादा मिलने लगी थी। इसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे, साथ साथ प्रोविंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन का काम यहाँ पे पूरा चल रहा था। इसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन हुए तो ऑब्वियसली 1937 में 8 out of 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस के पास पावर गई, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी वहाँ पे पार्टी थी। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, 1946 के बाद के 3 ईयर्स में जो हुआ हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम के टाइम पे, और उसके पहले जो चीज़ें चल रही थी, जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, इसमें एक डिफरेंस है। पहले हमें देखने को मिलता था कि सिर्फ रिस्पॉन्स किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के साइड से, इंडिया की साइड से ग्रोइंग डिमांड थी तो ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्ड कर रहे थे बाय गिविंग अस पावर्स। 1909 में, 1919 में, 1935 में जो एक्ट्स आए वो एज रिस्पॉन्स आए थे। यहाँ पे जो एक्ट्स लाए गए थे वो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे इंडियंस के लिए, हमने खुद से नहीं बनाए थे। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अब हम जो बात कर रहे थे 1946 के बाद से, हम खुद की ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। तो ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक्ट्स लाए थे, इससे थोड़ी पावर तो बढ़ी थी, साथ साथ हमारा इलेक्टोरेट एक्सपेंड हुआ था, यानी कि अब जो लोग वोट दे रहे थे वो थोड़े एक्सपेंड हुए थे। लेकिन 1935 में भी सिर्फ 10 or 15% तक जो एडल्ट पॉपुलेशन थी वो वोट कर रही थी। यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें देखने को नहीं मिल रहा था। जो हमारे 1935 एक्ट के बाद डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो लेजिस्लेचर थी वो कॉलोनियल रूल के फ्रेमवर्क के हिसाब से थी, ना कि इंडियंस के हिसाब से। और साथ साथ उसको जो ब्रिटिश गवर्नर था उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ रहा था। तो बेसिकली पूरा का पूरा ब्रिटिश हाथ में भी बहुत सारी पावर्स थी, इंडियंस को 100% ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी। लेकिन 13 दिसंबर 1946 में जब नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, तो अब वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमारे हाथों में पूरी पावर्स हो और ब्रिटिशर्स हमें डोमिनेट ना करें। ये पूरा का टॉपिक नंबर 2 में देखने को मिलता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और हम मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में। बाय बाय।